नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। विवाहित पुरुषों के लिए रिश्तों को बचाए रखना बड़ी चुनौती होती है। माँ और पत्नी जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ होती हैं तो पति की हालत सबसे संकट में पड़ जाती है। भारतीय समाज में विवाहित पुरुष आज इस संकट से परेशान है। जब बहू और सास की आपस में जरा भी ना बनती हो तो स्थितियाँ संकट में आ जाती है। इस दौरान एक पति रिश्तों के बीच टकराता रहता है। समय के साथ सास बहू के बीच की दीवार भी पिघलने लगती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा भी रिश्तों की कड़वाहट से परेशान रही है। रेखा ने विनोद मेहरा से शादी तो की, लेकिन सास के नापसंद होने से ये रिश्ता महज 2 महीनों में ही टूट गया था। यासिर उस्मान की किताब रेखा एन अनटोल्ड स्टोरी में रेखा और विनोद मेहरा की शादी का जिक्र किया है। किताब के मुताबिक रेखा जब विनोद मेहरा के घर आई तो विनोद मेहरा की मां यानी कमला मेहरा ने रेखा को देख गुस्से में अपनी चप्पल तक निकाल ली थी। रेखा जैसे ही अपनी सास के पैर छूने आगे बढ़ी तो उन्होंने एक्ट्रेस को धक्का मारकर दूर हटा दिया था। रेखा दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। 1973 में रेखा ने विनोद मेहरा की माँ के बारे में कहा था, उनकी माँ मेरी विचारधाराओं की कभी से कोई प्रशंसक नहीं थी। विनोद मेहरा की माँ के लिए हमेशा से ही रेखा एक बदनाम एक्ट्रेस थी। मैंने जब विनोद से माँ और प्यार में से किसी एक को चुनने के लिए कहा तो विनोद ने माँ को चुना। रेखा ने बताया कि यह हमारे अलग होने का सबसे बड़ा कारण थी। विनोद की वजह से उनकी माँ को शुरुआत में बहुत बर्दाश्त करना पड़ा था। रेखा का मानना था कि अब उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेखा ने सास से बिगड़ते रिश्ते के साथ घर छोड़ दिया। पहले जब लड़कियों की शादी होती थी तो वो सास के लाख के ताने के बाद भी परिवार के मूल्यों और परंपराओं को अच्छी से समझती थी। अब महिलाएं शिक्षित हैं, नौकरी करती हैं और अपने नए घर में अपना मान तेजी से स्थापित करती हैं। ऐसे में बहू और सास के बीच तकरार का असर पति पत्नी के रिश्ते पर भी पड़ने लगता है। ऐसी परिस्थिति में घर के पुरुष को निर्णय लेना चाहिए। पति ही माँ और पत्नी दोनों के बीच फंसा है, जिसमें से किसी एक को भी छोड़ पाना उसके लिए मुश्किल है। सार्थक कोशिशों के बाद भी सास बहू के बीच के झगड़े जस के तस बने रहते हैं तो यहाँ आपसी सहमति से अलग रहने का निर्णय निकाला जा सकता है। ऐसे में कम से कम एक रिश्ते को तो बचाया जा सकता है। साथ ही साथ आप दोनों रिश्ते के बीच संतुलन बनाते हैं तो दोनों रिश्ते बच जाएंगे। विदेशों में शादी के बाद जोड़े एक अलग घर में रहने चले जाते हैं, लेकिन भारत में संयुक्त परिवार अभी भी प्रचलन में है। शादी केवल लड़का लड़की के जीवन को ही नहीं बल्कि दोनों के परिवारों को भी करीब लाता है। इसी समय में पति आदमी को जिम्मेदारियां समझनी है, अपनी पत्नी और माँ का अच्छा दोस्त बनना होगा और दोनों को ही तमाम तरह के बदलावों से रूबरू कराना होगा। एक्ट्रेस रेखा और विनोद मेहरा रिश्तों में दरार की यही वजह रही। जब वो दो रिश्तों के बीच में खिंचाव आता है तो किसी एक का भारी पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे में टालने वाला स्वभाव संकट पैदा करता है। रेखा के साथ भी यही हुआ था। शादी के बाद एक्टर उन्हें अचानक अपने घर ले गए थे, जिसके कारण भी उनकी माँ का व्यवहार नई नवेली दुल्हन के लिए बद से बदतर हो गया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।